हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं बनाने वाली हूं कच्चे केले के कोफ्ते। तो आइए देखते हैं इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। यहां पे मैंने 4 केले लिए, ये मीडियम साइज़ के हैं, कच्चे हैं। 3 छोटे आलू हैं और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, हल्दी है, मिर्च पाउडर है और बेसन 2.5 स्पून है और नमक है। ये चीज़ें हैं कोफ्ते बनाने के लिए। अब मैं इनको कर दे रही हूँ साइड में। दिखा रही हूँ ग्रेवी के लिए। ग्रेवी के लिए मैंने लिया 1/4 कप ये फली दाना, आप चाहो तो काजू भी ले सकते हो। 4 टमाटर हैं, 4 प्याज हैं, तेल है, लहसुन है, अदरक, हरी मिर्च है, धनिया पत्ती है, थोड़ा सा हींग है, ये किचन किंग है, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, सूखी लाल मिर्च, कस्तूरी मेथी, हल्दी, मिर्च और ये खड़े मसालों में है तेज पत्ता, दालचीनी, लौंग और 2-3 काली मिर्च। तो हम बनाते आगे का। मैंने सबसे पहले केले को साइड से काट के माइक्रोवेव के बाउल में डाला। इसको मैं 5 मिनट माइक्रोवेव करूँगी। आप चाहो तो इसको प्रेशर कुकर में 1 विजल आते तक रख सकते हैं। जब तक कि वो पकता है, मैं टमाटर और प्याज सारी चीज़ें काट के कुकर में डाल रही हूँ और इसको मैं पकने रख दूँगी। मैंने टमाटर भी काट लिया, प्याज भी काट लिया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ फली दाना। फली दाना मैं ग्रेवी को थिक करने के लिए यूज़ कर रही हूँ। आप यहाँ पर काजू भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैंने डाला है लहसुन, लहसुन के बाद हरी मिर्च, अदरक। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 ग्लास वाटर, पानी। पानी डाल के अब मैं कुकर का ढक्कन बंद कर रही हूँ। बंद करके मैं इसको 2 विजल आते तक पकने दूंगी। मैंने गैस के ऊपर रखा है, 2 विजल हुआ है, ठंडा भी हो गया। अब मैं इसको करूँगी ग्राइंड। ग्राइंड करते समय हमको एकदम फाइन पेस्ट बनाना है। ये जितना फाइन पेस्ट बनेगा हमारा ग्रेवी उतना ही अच्छा रहेगा, उतना ही टेस्टी रहेगा। अब मैं बना रही हूँ कोफ्ते। सबसे पहले मैं इनके छिलके उतार रही हूँ। मैंने इनको माइक्रोवेव में 5 मिनट के लिए रखा था। अगर आप प्रेशर कुकर में रखोगे तो सिर्फ 1 विजल आते तक रखना और बर्तन में डालोगे तो 5 मिनट तक हाई फ्लेम पे पका लेना। अब मैं इनको खीस रही हूँ। आप चाहे तो इसको मैश भी कर सकते हो, बट खीसने से इसका जो बैटर है वो बहुत अच्छे से बनेगा और अच्छे से बाइंड होगा। उसके बाद मैंने आलू खीस लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 स्पून डाला है और उसके बाद मैं इसमें डालूंगी 2.5 स्पून बेसन। अगर आपके कोफ्ते अच्छे से बाइंड नहीं होगी तो आप 1 स्पून और बेसन डाल देना। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ मिर्च और हल्दी, डाल के मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। उसके बाद मैंने इसमें डाला था नमक और थोड़ा सा 1 पिंच हींग। अब मैं इनके गोले बना ली हूँ। मेरे गोले बन के रेडी है, मेरा तेल भी गर्म हो गया। और कोफ्ते डालते समय गैस का फ्लेम हाई है और तेल अच्छे से गर्म है। उसके बाद मैंने गैस का फ्लेम स्लो कर दिया है और स्लो फ्लेम पर मैंने इनको फ्राई किया 5 मिनट तक। अब आप देख सकते हैं 5 मिनट बाद मेरे कोफ्ते एकदम बन के रेडी है। आप इसे चाहो तो एज अ स्टार्टर भी सर्व कर सकते हैं, ये बहुत टेस्टी लगता है। फिर उसके बाद मेरे ये बन के रेडी है। मैं सेकंड वाले जो बचे हुए कोफ्ते थे मैं उनको भी फ्राई कर रही हूँ। मैंने इनको भी डाल दिया है, सेम वही प्रोसीजर, डालते समय हाई फ्लेम देन आफ्टर स्लो फ्लेम। मैं इसको निकाल ले रही हूँ। अब मैं आगे का प्रोसीजर कर रही हूँ ग्रेवी बनाने का। उसके लिए मैंने गैस के ऊपर बर्तन रखा, फिर मैंने तेल डाला है। जैसे मेरा तेल गर्म हो गया इसमें मैंने डाले खड़े मसाले। खड़े मसाले में सबसे पहले मैंने तेज पत्ता, दालचीनी, काली मिर्च और 2 लौंग डाल के मैं इसको गर्म होने दे रही हूँ। फिर उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ जीरा, जीरा जैसे क्रैकल होगा। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी ग्रेवी जो हमने ग्राइंड करके रखा था, टमाटर, फली और प्याज का। यहाँ पे हमें ध्यान देना, ये काफ़ी ज़्यादा छींटे उड़ते हैं, तो थोड़ा सा संभल के इसको अच्छे से मिक्स करते रहना। जैसे आप स्टॉप करोगे छींटे आपके ऊपर उड़ जाएंगे और थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। उसके बाद मैं कंटिन्यूसली इसको धीमी आंच पे 2 मिनट तक पकाई हूँ। 2 मिनट तक आप देख सकते हैं मेरा काफ़ी अच्छे से गाढ़ा हो गया। इसको थोड़ा सा मैं और भूनूंगी। जैसे ही ये थोड़ा सा भुन गया है उसके बाद मैं उसमें डाल रही हूँ मसाले। मसाले में मैंने डाला हल्दी, मिर्च पाउडर, ये डाल के भी मैं कंटिन्यूसली मिक्स कर रही हूँ। अगर मैं रुक जाऊँगी तो ये नीचे कढ़ाई में लग जाएगा और फिर उसके बाद थोड़ा सा ग्रेवी में जला हुआ स्मेल आएगा। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। जैसे ये थोड़ा सा मिक्स हो गया अब मैं इसमें बाकी के मसाले डाल रही हूँ। ये है जीरा पाउडर 1 स्पून, उसके बाद मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर, ये भी 1 स्पून है। फिर इसको लगातार मिक्स कर रही हूँ। हमें इसको तब तक मिक्स करना है जब तक कि हमें साइड से तेल ना निकले या पूरी तरह से इसका पानी ना सोख जाए। अब मैं इसमें डाली हूँ क्रीम और थोड़ा सा क्रीम मैंने बचा के रखा है जो मैं गार्निशिंग के लिए यूज़ करूँगी। अब इसको मैं लगातार मिला रही हूँ कंटिन्यूसली। अब मेरा ग्रेवी एकदम बन के रेडी है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कस्तूरी मेथी, मैंने थोड़ा सा बचा के रखा है, वो बाद में डालूँगी। अब उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ पानी। पानी आप ग्रेवी के थिकनेस के अकॉर्डिंग आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1.5 ग्लास पानी यूज़ किया है। मैंने यहाँ चेक कर रही हूँ, मुझे ये थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है क्योंकि कोफ्ते डालूंगी तो ये और गाढ़ा हो जाएगा, इसलिए मैं और पानी डाल रही हूँ। यहाँ पर मैंने टोटल 1.5 ग्लास पानी यूज़ किया है। अब मैं ग्रेवी में नमक डाल रही हूँ। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। कोफ्ते में भी थोड़ा सा नमक है तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब मैं इसको ढक्कन लगा के धीमी आंच पे 2 मिनट तक पकने दूंगी। अब 2 मिनट हो गया, मेरा ग्रेवी बन के रेडी है। किंग डाला, आप चाहो तो गरम मसाला भी डाल सकते हो। अब मैं कस्तूरी मेथी को क्रश करके
थोड़ा सा मिक्स करो। अब मेरा ग्रेवी बन के रेडी है। आप कोफ्ते इसमें उसी समय डालना जब आप सर्व करने वाले रहोगे, जस्ट एक मिनट पहले, अदरवाइज वो गल जाएगा और टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। मुझे आपको दिखाना है कंप्लीट प्रोसीजर, इसलिए मैं कोफ्ते डाल रही हूँ। अदरवाइज मैं उसी समय डालती हूँ जब मुझे सर्व करना है। करी बन के रेडी है। मैंने इसको गार्निश किया धनिया पत्ती और फ्रेश किम के साथ और सर्व किया है नान के साथ। आप भी इसे बनाइए, ट्राई करिए और बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन क्लिक करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।